बात भारतीय संस्कृति की, हम विश्व गुरु थे। मैं बहुत संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि हम विश्व गुरु क्यों थे। दुनिया की कोई ऐसी कला नहीं है, दुनिया की कोई ऐसा विद्या नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसमें हमने श्रेष्ठतम कार्य ना किया। और एक चीज को हम भूल जाते हैं जब हम भारत के विश्व गुरु होने की चर्चा करते हैं, और वह है व्यापार। भारत का व्यापारी भी भारत को विश्व गुरु बना रहा था। श्री कृष्ण के समय में भी जो स्वराष्ट्र का क्षेत्र है, इस समय में विदेशों को बीड्स और बहुत सारी और चीजों का एक्सपोर्ट होता था। भारत के पास पूरी दुनिया की 35% संपदा ऐसे ही नहीं आई थी। तो केवल युद्ध कौशल से ही हम विश्वगुरु नहीं हुए, केवल संतों ऋषियों से ही विश्वगुरु नहीं हुए, केवल उच्च कलाकारों से ही विश्वगुरु नहीं हुए, बल्कि व्यापारियों से भी हम विश्वगुरु हुए हैं। चुंगी प्रथा भारत की देन है। सील लगे बक्सों के को जहाज में लदवाकर बाहर देशों में लेके जाना और वहां पर बेचना भारत की देन है। और इसी से हमखानी समाज हमसे बहुत प्रभावित हुआ था और 323 BCE में यहां पर आया था। हम उसे बहुत प्रेम से लेके आए, लेकिन उन्होंने पीठ पे छुरा भोंका। तो विश्वगुरु जो हम बनते हैं वो अनेक विद्याओं और व्यापार की वजह से बनते हैं, लेकिन एक बात मूल में है और वो है नैतिकता। हमने अपनी नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा। राजा भी हमारे यहां ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होता था। ये किसी के मन में अगर बात है तो ये करेक्ट कर ले। श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं, ये दुनिया में जो रिपब्लिक सिस्टम है या फेडरल सिस्टम है, ये श्री कृष्ण के समय में था, बल्कि उससे पहले था ये फेडरल सिस्टम। उस वक्त 3 फेडरेशन हुआ करती थी। हम इसलिए भी विश्व गुरु हैं क्योंकि हमने लोक प्रशासन को, डेमोक्रेसी को उस वक्त विजुलाइज किया था, जब पूरी दुनिया उसके बारे में सोच भी नहीं पाती थी। छोटे छोटे कबीलों में वो दुनिया होती थी। जब राजा का राजाभिषेक हो रहा होता था तो यज्ञ वेदी के चारों तरफ वह चक्कर काटता हुआ कहता था, मुझे कौन दंड देगा, मुझे कौन दंड देगा, और उसका गुरु पीछे कुछ उससे उसको मारता हुआ चलता था, तुझे धर्म दंड देगा, तुझे धर्म दंड देगा। यह है भारत की वह विशाल परंपरा जिसकी चर्चा अभी होनी शेष है। हमने बहुत सारी चीजों का लोहा मनवा लिया है, लेकिन बहुत सारी बातों को हमने ही भुला दिया है, शायद हमें मालूम नहीं है। इसलिए भारत को समझना इतना सरल नहीं है।